हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई हम टंकियों को कैसे साफ करें। आप जैसे देख रहे हैं मेरे सामने एक टंकी है, ठीक है, जो कि पूरी गंदी हुई पड़ी है। अब मैं बताऊंगा इसको आसानी से कैसे साफ कर सकते हैं। तो भाई आसानी से इसको साफ करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहला हमारा स्टील वूल, या फिर जिसको हम हिंदी में जूना कहते हैं, ठीक है। दूसरा डिटर्जेंट यानी कि सर्फ एक्सल पाउडर, ठीक है। अब देखो इसको साफ करने का तरीका क्या है। इसको साफ करने का सिंपल तरीका है भाई, आपको पहले तो ये कर लेना है गीला, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है टंकी होनी चाहिए सूखी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिटर्जेंट को इस पर स्टील वूल पे लगाना है इस तरीके से, और सूखी टंकी पे इसको इसी तरीके से रब करते हुए साफ कर देना है। बिल्कुल इस तरीके से साफ करते रहिए, क्योंकि टंकी सूखी है तो इसलिए डिटर्जेंट बहुत जल्दी अपना असर इस पर दिखाएगा। तो टंकी बहुत ही जल्दी हमारी साफ होती चली जाएगी, बिल्कुल जैसा कि अब आप देख ही रहे हैं कि भाई इस साइड से तो टंकी पूरी साफ हो ही गई है। इस साइड से तो कोई गंदगी है ही नहीं अब टंकी में। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ से साफ कर लेनी है टंकी। थोड़ा मेहनत का काम जरूर है, पर ये टंकी बिल्कुल ही अच्छे से साफ हो जाएगी। बिल्कुल कैसी लगेगी, जैसे कि अभी अभी आप इसको खरीद के लाए हो, नया नया बिल्कुल। कोनों के लिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यही स्टील वूल की सबसे अच्छी खासियत है कि भाई ये कोनों में भी चल सकता है। इस तरीके से करते हुए ये पूरी टंकी इसी तरीके से साफ हो जाएगी। तो भाई जब आपको लगे कि हाँ ये पूरी तरीके से हो चुकी है, इसका मैल पूरी तरीके से उतर चुका है, तो इसको आप बिल्कुल ही पानी से इस तरीके से धो दीजिए। और उसके बाद ये देखिए हमारी बिल्कुल ही नई टंकी निकल के आ गई सामने। ठीक है, आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो टंकी होनी चाहिए वो सूखी होनी चाहिए, पानी आप केवल इस पर यूज़ करें स्टील वूल पे, ठीक है। इसी तरीके से पूरी टंकी साफ हो जाएगी। थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।